हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आज जा रही हूँ केले की सब्जी बनाने, एक पका केला वो खाऊंगी। ये केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और अभी कुरियर वाले का फ़ोन आया, तो कुरियर आ रहा है, तो कुरियर क्या आएगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा प्लीज़। फ्रेंड, केले की सब्जी भी थोड़ी देर में बनाऊंगी। कोरियर आ गया है तो मैं जा रही हूँ। ये खड़े हैं कोरियर वाले भैया, और मेरे पास चेंज रुपए नहीं थे तो मैं 500 रुपये लेके आई थी, तो बाकी 200 रुपये का है, 300 वापिस किए इन्होंने। तो चलो देखते हैं चल के कैसा आया है। फ्रेंड, हमारा बिट्टू इतना उतावला हो रहा था कोरियर की वजह से, और उससे ज़्यादा मैं हो रही एक्साइटेड देखने के लिए। वाओ, कितना अच्छा है, और मुझे बहुत पसंद था। ये कॉटन के कपड़े में है, इसका तकिया जैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें बच्चे सर रख के सो भी सकते हैं, बट इसको फाड़ भी नहीं पाएंगे। तो और 200 रुपये में, मतलब 194 रुपये का है, बाकी रुपए उसके पास टूटे नहीं थे तो मैंने नहीं लिए थे। तो मानो तो 200 रुपये का फ्रूट्स नेम और एनिमल्स नेम, सारा मतलब बॉडी पार्ट्स नेम सब कुछ था इसमें। तो अब चलो देख चुके हैं, तो अब चलते हैं सब्जी बनाने की तरफ। तो चलो चलते हैं हम लोग किचन में, और ये बहुत अच्छा आया है। मेरे 5 केले हैं, और मैंने इन्हें अच्छे से धो लूँगी, फिर इनको छीलूँगी। तो फ्रेंड, मैं अच्छे से इनको धुल लिया है, धुल के अब छील रही हूँ उनको, अच्छे से छील लूँगी और छोटे छोटे से पीस कट कर लूँगी, और फिर उनका बनाऊँगी। ऐसा लग रहा है अंदर ख़राब है, बट नहीं है, वो ऐसे 2 दिन से रखे हैं तो इसलिए लग रहा है। तो फ्रेंड, बस छोटे छोटे से पीस कट कर लेंगे फ्रेंड। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए प्लीज़ फ्रेंड। हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताया करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हम 8 बजे नाइट में लाइव आते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ा करिए। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल मोनो हो जाए प्लीज़। आप लोग इतना सपोर्ट किए हैं, मेरा सब्सक्राइबर तो कम्प्लीट हैं बट वॉच टाइम नहीं कम्प्लीट है। तो इसका छिलका है जो इसकी चटनी भी बनती है, आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी चटनी भी बनाऊँगी ज़रूर। तो अभी तो सिर्फ सब्जी ही बना रही हूँ, और अच्छे से साफ़ करके काट लेती हूँ। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। अच्छे से सारे छील लूँगी, काट लूँगी, फिर मिलते हैं फ्रेंड। ये मैंने केला अच्छे से धुल के और छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, और मैंने 4 हरी मिर्च काटे हुए हैं, थोड़ा अदरक का पेस्ट है और लहसुन का पेस्ट है, और ये प्याज, प्याज काट लिया है मैंने, एक कस्तूरी मेथी और अजवाइन है। तो और ये मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, और ये हमने ग्रेट कर लिया है पनीर को अच्छे से, और ये मसाला है हमारा। तो चलो चलते हैं बनाने की तरफ फ्रेंड। मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली हुई है, आज मैंने कैमरा बहुत अच्छे से सेट किया है ताकि मैं अच्छे से बना सकूं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कैसे क्या करूं, तो मैंने ये तेल डाल दिया, अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर बनाएंगे। तो फ्रेंड, ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें जो छोटे छोटे मैंने केले काटे थे वो डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, ये केले मैं ऐसे चलाती रहूँगी, हल्के से मतलब गोल्डन हल्के से हो जाएंगे तो नहीं। फ्रेंड, आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, और आधा चम्मच आप लोग चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। तो फ्रेंड, ये केले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, मतलब हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, और फिर इसमें आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये हमने तेल डाला, ये गरम हो चुका है फ्रेंड। अब इसमें हम सारे मसाले धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे अजवाइन। तो इसमें जीरा बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, थोड़ी सी आधा चम्मच अजवाइन है वो हम डालेंगे। तो फ्रेंड, अजवाइन डाल लेते हैं, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करा करिए। और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताया करिए। और इसमें मैंने 4 छोटे छोटे जो मिर्चे काटे हुए थे, मिर्च तो वो डाल देती हूँ। तो फिर उसके बाद में जो मैंने अदरक, ये बारी बारी से सारे मसाले में ऐड कर दूँगी। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए प्लीज़ फ्रेंड। आप लोग चाहें तो लहसुन और ये प्याज, जो लोग नहीं खाते हैं तो वो स्किप भी कर सकते हैं, और बाकी का प्रोसेस सेम करेंगे। और टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो डाल दें, प्याज और लहसुन ना डालें, बाकी जो अजवाइन और मिर्च हैं वो डाल के, और बाकी हल्दी जो मसाले हैं वो सारे ऐड कर सकते हैं, और बाकी ये नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने अभी मेरा प्याज बहुत अच्छे से भुन चुका है, और मैं जो आधा चम्मच पहले हल्दी डाल चुकी थी तो आधा चम्मच हल्दी डाल देती हूँ, आधा
चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। और बाकी जो आधा कटोरी मैंने दही फेंट अच्छे से फेंट लिया था उसको लिया है, उसको अच्छे से मैं फेंट लिया था, अब इसमें डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी से चला रही हूँ ताकि ये फटे ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये अच्छे से तेल पूरा रिलीज कर चुका, दही अच्छे से हो चुका है। जो मैंने दो बड़े टमाटर लिए थे पेस्ट उसका, तो ये डाल देती हूँ मैं, इसको अच्छे से चलाती रहूँगी, जब ये तेल छोड़ देगा तब मैं इसमें बाकी। और फ्रेंड कस्तूरी मेथी आप चाहें तो सब्जी पकने के थोड़ा सा पहले डाल सकते हैं या वैसे डाल सकते हैं, तो मैंने तो अभी डाल दी कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने मेरा प्याज सारा मसाला पक के तैयार हो चुका है, मैंने ज़्यादा तेल वगैरह नहीं डाला है। जो मैंने पनीर ग्रेट करके रखा था फ्रेंड, वो अब डाल देंगे हम, धीरे से ऐड कर देंगे उसमें और धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जब ये अच्छे से ये पूरा तेल रिलीज कर देगा तब उसके बाद में बाकी के प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये अच्छे से तेल छोड़ चुका है। तो ये जो हमने केला तेल में फ्राई करके रखे हुए थे तो ये डाल देती हूँ उसी में, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो केला तो ये मेरे पक चुके हैं, बाकी उसी में गल के रह जाएंगे। तो फ्रेंड देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और बाकी जो स्वादानुसार नमक, अपना जितना जिसको अच्छा पसंद हो उतने हिसाब से नमक डाल सकता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारी ये सब्जी पूरी रेडी हो चुकी है, अभी पकना है, तो इसको 5 मिनट ढक के रख देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऐड करेंगे, मुझे लग रहा है कम है क्योंकि 5 मिनट पकेगा, तो इसको धीमी आँच में 5 मिनट ढक के रख देंगे और बस पकने देंगे। उसके मैं तब तक ले आटा वाटा बना लेती हूँ, मार लेती हूँ ताकि रोटी भी बनानी है क्योंकि मम्मी पिताजी। तो फ्रेंड देखो हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, पक के रेडी हो गई है, थोड़ा सा कसर रह गया है तो ये थोड़ी देर और ढक के पकाऊंगी। तो इसमें मैंने चीनी बाद में ही मैं चीनी ऐड करती हूँ, चीनी तो वैसे भी घुल जाती है, तो बस 1 मिनट के लिए चीनी डाल के 1 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल धीमी आँच में रख देंगे मैं इसको। अब हम आटा मार लेते हैं, तो बस सब्जी को बिल्कुल धीमी आँच में है। तो फ्रेंड आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फ्रेंड हमारा आटा लग के बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं हाथ धुल लेती हूँ, हाथ धुल के फिर सब्जी देखती हूँ कि कैसी है, कैसी पक के रेडी हुई है। तो आप लोग ज़रूर रहिए हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। तो मैं आटे को ऐसे करना नहीं भूल गई, कौन कौन करता है आटा मार के फिर उसके बाद पैर छूता उसके, देखो मेरी सब्जी कितनी आपको लोगों को देखने में कितनी मस्त हो लग रही होगी। अब इसमें ऊपर से धनिया थोड़ी डाल के और रख देंगे, मेरी पक गई है, अब सब्जी बंद कर देंगे और बाकी रोटी बनाएंगे। कितनी अच्छी लग रही, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लग रहा है कितनी जल्दी रोटी बने और मैं खाऊं। तो फ्रेंड मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, आप लोग हमारे साथ ऐसे ले बना। प्लीज़ हम फ्रेंड हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ओके फ्रेंड हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है, मैं सब्जी देखने आई हूँ, सब्जी मतलब थोड़ा सा और गाढ़ी हो चुकी है, मैंने जब बंद किया था उससे पहले, और इतनी देखने मस्त लग रही, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है फ्रेंड देखो मुझे लग रहा है मैं अभी खा लूँ, बट पहले मम्मी पिताजी को देंगे खाना उसके बाद हम खाएंगे। तो फ्रेंड सब्जी मेरी बहुत पक के रेडी हो गई, आप लोग चाहे तो केले की सब्जी मेरी तरीके से बना सकते हैं, मैंने बिल्कुल गांव के तरीके से बताया है, ज़्यादा मसाले और ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी हैं और अच्छी सी सब्जी मेरी बन के रेडी हुई है। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, रोटी चुपर के और बढ़िया लगा देती हूँ। तो फ्रेंड हमारा ब्लॉग कैसा लगता प्लीज़ ज़रूर बताया करिए, हम 8 बजे लाइव आते हैं, 8 बजे से नाइट में 8 बजे से 10 बजे तक लाइव रहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, हमारा जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं प्लीज़ ज़रूर बताया करिए कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो फ्रेंड ये खाना लग के रेडी है, आप लोग आ जाइए खा जाइए और बताइए कि कैसा बन के मेरे केले की सब्जी बन के कैसी रेडी हुई है। तो बाकी खाना लगा लेती हूँ मम्मी के लिए सबके लिए। तो फ्रेंड अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और फ्रेंड आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सब्जी खाना एंजॉय करिए आप लोग हमारे साथ में,
और बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमारा वीडियो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।